22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम विराजेंगे राम लला विराजने वाले हैं और उससे पहले इंदौर में उसी तरह के राम मंदिर को बनाया गया है उसकी प्रतिकृति बनाई गई है मेरे पीछे जो मंदिर आप देख रहे हैं ये वही मंदिर है जिसकी प्रतिकृति बनाई गई है इसकी खासियत क्या है वो भी हम आपको बताएंगे आप अगर गौर से इस मंदिर को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये मंदिर पूरी तरह से आयरन का बना हुआ है लोहे का बना हुआ है और इसमें जो इसका बेस है वो बहुत बहुत मोटे जो पाइप हैं उनको यूज़ किया गया ये जो पाइप है मैं आपको बता दूं ये वेस्ट मटेरियल है सारा इंदौर हमेशा से नंबर एक रहा है नवाचार में और इस नवाचार को अपनाते हुए इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने ये पहल की है कि क्यों ना इंदौर जो है वो फिर से एक मिसाल कायम करे पूरे देश में और एक ऐसी मिसाल कायम करें जो दूसरे लोगों के लिए कहीं ना कहीं प्रेरणा बने तो जो वेस्ट मटेरियल है जो बेकार का लोहा है उसको यहाँ पर इकट्ठा करके और उसको जमा करके ये यह मंदिर यहाँ पर बनाया गया प्रतिकृति बनाई गई अयोध्या के राम मंदिर की और आप देखेंगे तो इसकी नक्काशी जो है हम कोशिश करेंगे आपको थोड़ा पास से दिखाने की कोशिश करें कि आ, किस तरह से बारीक चीज़ों का इसमें ध्यान रखा गया बहुत आ, महीन लोहे के जो टुकड़े हैं उनका इसमें इस्तेमाल किया गया है बहुत ज़्यादा बारीकी से काम किया गया दिल्ली से ये कारीगर आए हुए हैं राजस्थान के इसमें कुछ कारीगर हैं जो आए हुए हैं और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि जो छोटे छोटे लोहे के तार हैं उनका इसमें इस्तेमाल किया गया और रिंग जो है वो बनाए गए हैं ताकि मंदिर का गुंबद बनाया जा सके इसके अलावा ऊपर अगर आप देखेंगे तो चाइनीज़ पॉकेट आपको नजर आएगा यानी कि पूरी तरह जो लोहा बेकार हो गया है जो बेकार लोहा है उसका इस्तेमाल इस पर किया गया है और ऊपर मंदिर का जो गुंबद है उस गुंबद पे भी अगर आप नज़र घुमाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो वेस्ट मटेरियल है वेस्ट आयरन है उसका इसका इस्तेमाल करके और इस मंदिर की प्रतिकृति बनाई गई है फिलहाल इस मंदिर को फाइनल किया जा रहा है इसकी फिनिशिंग का काम चल रहा है इसकी घिसाई का काम चल रहा है और इस पर एक कोटिंग की जाएगी उसके बाद इस मंदिर को अंतिम रूप दिया जाएगा और थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल में हम जाने की कोशिश करते हैं हमारे साथ जो इस पूरे मंदिर के काम को देख रहे हैं प्रभारी हैं आप क्या नाम लिखते हैं आ, मेरा नाम सर लोकेश सिंह राठौर है लोकेश जी ये इस तरफ अगर आप आ जाएं थोड़ा सा हम मंदिर भी दिखा देंगे ताकि पीछे लोगों को मंदिर भी दिखे एक बार योगेश जी जो मंदिर बनाया जा रहा है ये कॉन्सेप्ट किसका कॉन्सेप्ट है पहले तो ये बता सर अगर बेसिकली बात करें तो ये कॉन्सेप्ट मेयर साहब का है मेयर भार्गवित्र भार्गव माननीय मेयर साहब का काम है उनकी एक सोच थी कि हमारे इंदौर में भी जिस तरह से अयोध्या में एक मंदिर बन रहा है उसी तरह से हमारे इंदौर में भी कुछ चीज़ें आए जिसको लेकर हमारे बड़े भाई उज्ज्वल सिंह सोलंकी और मुझसे लोकेत सिंह राठौर से उनकी बात हुई और उसको हमने फाइनल रुक दिया अच्छा अब ये जो काम है ये आपने कब शुरू किया थे? ये सर जगह लोकेशन से लेकर फाइनल करने से लेकर इसको तीन से साढ़े तीन महीने हो चुके हैं लगभग और आखिरी दस दिन का काम बाकी रह गया जैसे आप देख रहे हैं फिनिशिंग हो चुकी है मैक्स मैक्स इसमें तो, कितने कारीगर लगे कहाँ कहाँ से वो कारीगर आए हैं सर पंद्रह से बीस कारीगरों का काम है ये जो कि कुछ यूपी से भी हैं कुछ दिल्ली से भी हैं और मतलब सभी बाहर के हैं मैक्स मैगजम जो बात करें तो दिल्ली से हैं अच्छा इसमें कितने दिन लग गए इसको बनाते हुए मतलब अभी तक कितने दिन हो गए इसको सिक्सटी प्लस सिक्सटी प्लस डेज हो चुके हैं हो चुके बनाते हुए अच्छा और इसको अभी इसमें कितना काम बाकी रह गया लास्ट दस दिन का रह गया सर उसमें भी जैसे लाइटिंग का रह गया बाकी ये काम तो मुश्किल से पाँच से सात दिन का है बाकी उसके बाद लाइटिंग और जो कि ऑर्डर हो चुकी हैं और आने आके इंस्टॉलेशन का काम चालू हो जाएगा इसको जो बनाया गया इसमें मटेरियल क्या क्या यूज़ किया गया क्योंकि हमको इसमें सिर्फ आयरन ही दिख रहा है जी सर जैसे अगर आप इसका बेस देखेंगे तो इस, इसके बेस में हमने विद्युत विभाग के जो हमको पोल मिले थे उसका यूज़ किया है बाकी इसको एक बेस सपोर्ट के लिए हमने इसमें चेचिस लगाया है उसके बाद हम हमारे पास इसके जो झूले आए थे नगर निगम से उनका यूज़ किया है वेस्ट झूलों का एंगलों का चद्दरों का उसका अच्छा, यूज इस तरह का इस्तेमाल इसमें इस चेचिस वगैरह भी मुझे काफ़ी दिख रहे हैं मतलब। हाँ चेचिस है और सर जो आ, आ, मंदिर को जोड़े रखने के लिए बेस बनाया वो चेचिस से बना हुआ है अच्छा इसमें कितना आयरन लग गया है इसमें सर इक्कीस टन का यूज हुआ है अभी तक इक्कीस टन यूज हो चुका है जी अच्छा और अब इस पे किस किस तरह का अभी और आप काम बता रहे हैं मतलब फिनिशिंग किस तरह की बाकी है क्या इसमें कोटिंग करनी है इस पे एक कोडिंग होगी प्यू कोडिंग होगी जो कि मंदिर का जैसे आपने देखा होगा पत्थरों का जो कलर रहता है

में राम मंदिर देखे वो अयोध्या से पहले भी यहाँ पर आकर देख सकते हैं यही हमारे मेयर साहब का कॉन्सेप्ट था खैर तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद लोकेश भाई और आप देखेंगे इस मंदिर में यहाँ तक कि आप अगर विजय पताका भी देखेंगे तो आपको बहुत सुखद अनुभव होगा क्योंकि जिस तरीके से उसको बनाया गया पूरा राम मंदिर की प्रतिकृति जो है अयोध्या की जिस तरह से वहाँ पर काम चल रहा है और हालांकि वो काम अभी बचा है और 22 जनवरी को वहाँ पर कार्यक्रम है और उसकी विधि विधान से पूजा होगी और उसके बाद उस राम मंदिर में रामलला विराजेंगे लेकिन उससे पहले इंदौर में इस तरह का एक मंदिर बना देना और प्रतिकृति बना देना मुझे लगता है वाकई में एक अच्छा काम है और इंदौर महापौर इस बात के लिए बधाई के पात्र भी हैं कि उन्होंने एक अच्छा कॉन्सेप्ट अपने विचार में उसको लिया और उसको मूर्त रूप दिया कहीं ना कहीं इस चीज़ को देख के लगता है कि भारत की संस्कृति और उसकी विरासत जो है वो बहुत मज़बूत है और उन्हें हमें अपनाने की ज़रूरत है उन्हें बचाए रखने की ज़रूरत है संजोए रखने की ज़रूरत है यहाँ जो मंदिर बनाया गया इसके आसपास का एक बात तो मैं आपको घुमा दूँ बता दूँ कैमरा घुमा के कि आप देखेंगे ये जो आपको यहाँ पर एक पानी का एक तालाब सा नज़र आएगा एक यहाँ पर जो ये पूरा आसपास का जो क्षेत्र है इसको पानी से लबालब भर दिया जाएगा पूरा पानी से ये ऊपर तक भर जाएगा और फिर मंदिर के ऊपर जब लाइटिंग की जाएगी तो ये जो लाइटिंग है ये इस पानी में नज़र आएगी और जब प्रतिकृति ये नज़र आएगी मंदिर की तो वो बेहद खूबसूरत नज़र आएगी ये इस तरह का विचार यहाँ पर लिया गया है महापौर द्वारा और कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल जो है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखने को मिली है जो अपने आप में एक कहा जाए कि इंदौर चूँकि हमेशा से नंबर वन रहा है तो इस विचार से भी क्यों ना नंबर वन हो ये चीज़ें दिमाग में लेके इंदौर महापौर ने काम किया और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये प्रतिकृति मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक होगी और इसको हर कोई देखने आएगा जब यहाँ लोगों की भीड़ लगेगी लोग देखने आएंगे तो वाकई में इंदौर का हर व्यक्ति अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा नीरज के साथ उमेश भारद्वाज ए बी पी लाइव इंदौर